यहाँ से एक प्यारी सी राउंड लगा के और अच्छी अच्छी फोटो लेके निकल रहे हैं हम। 1 किलोमीटर कि जो होगा देखा जाएगा। बच्चे यहाँ से आराम से निकाल दो, ये मतलब जगह है लोगों का चलने का। ये कौन सी जगह है मुझे ये नहीं मालूम, बट हम पारू से निकले हैं। पारू से होते हुए पास पड़ेगा क्योंकि किसी ने बताया है कौन सा वैशाली सीधे, हाँ गोरा वैशाली सीधे लिखा हुआ है क्योंकि मंदिर वैशाली में ही है। तो अब हमें सीधे निकलना है, जो अभी हाईवे आने वाला है शायद। और तो यहाँ अंधेरा ही बदल रहा था, मालूम नहीं है ना हमें, है ना। अच्छा कोई नहीं, अब बिना हेलमेट के बिना किसी चीज के हम पागलों की तरह घूमने जा रहे हैं। कोई छोटा शहर लग रहा है, ये काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। इस जगह का नाम नहीं पता अभी तक मुझे, कौन जगह है। किलोमीटर क्या लिखा हुआ गेट पे? पोखर। धन्यवाद। और ये हमने किसी से मदद ली पूछने के लिए कि अभी कितना टाइम लगेगा। हम भी किसी बोर्ड पे आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, नौलखा मंदिर। सब जगह क्या लिखा हुआ बच्चा? पोखर शांतिपूर्ण कुछ मंदिर है ऐसे नाम लिखे हुए हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर जो पढ़ा अभी तक हमने बोर्डों पे, वो मंदिर ही ज्यादा यहाँ पे दिखाया गया है कि मंदिर मंदिर हर जगह सबका नाम है, बट वो नौलखा का मंदिर का नाम नहीं आया अभी तक। बट उन्होंने कहा कि भी 1 किलोमीटर जाने के बाद एक गेट मिलेगा आपको, उसमें जाना आपको। हम जा रहे हैं, ये देखो बोल रही बारिश हुई होगी इधर, पक्का मुझसे यहाँ बोल रहे इसके अंदर। ये देखिए बाहर आया है क्या है, कुछ तो ऐसा लग रहा है, लग सकता इतनी बारिश तो आई नहीं है, लग रहा है बच्चा ये। भाई साहब नौलखा मंदिर के जी, ये रहा जो गेट है, इस पे भी नहीं लिखा है, इस पे भी नहीं लिखा, सिर्फ गेट है। पूरा देसी गांव है, प्योर देसी गांव, ये देख सकते हैं गांव है। हमें लगा था बिल्कुल अलग सा होगा, बट यहाँ सबसे बड़ी बात है हमने होटल्स देखा, बहुत बहुत खूबसूरत था, अच्छा खासा बनाया हुआ था। मतलब कोई आते होंगे बाहर से रहने के लिए तो उनके लिए स्टे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको होटल यहाँ मिल जाएंगे तो आप रह सकते हैं यहाँ पे। और ये सब मेरे ख्याल से कुछ बन रहा है, ये बनेगा भी घर है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ये सबसे अलग थोड़ा सा ये देखिए
बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, एक अलग सा ही लग रहा है मतलब सब में से। अच्छा बुद्ध मंदिर है भाई साहब, नौलखा मंदिर यही है, ये कुछ अलग सा मंदिर है। हाँ ये वो मंदिर नहीं जहाँ पे आप आए, बट ये भी बहुत, कौन सी मंदिर है, वेतराम, देखो ये वेतना, सॉरी बुद्धिस्ट है। हाँ और यहाँ पे होटल्स भी है, खाने का भी था तब ठीक है। कहाँ है, हाँ वाइट है ना, हाँ फोटो में देख, चलो मंदिर, मैं कहा था ना काफी मंदिर मिलेंगे यहाँ पे, तो एक मंदिर में पहले लगा कि यही है बट वो नहीं था, और वहाँ पे जब जा सकते बड़ा प्यारा लग रहा देखने में, हाँ एंट्री नहीं होती। अच्छा वो बुद्धिस्ट टेम्पल भी नहीं कह सकते, योगा वोगा ये सब। अच्छा 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 ओके, मेरी गलत, ज्यादा यहाँ पे बुद्ध को मान, बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं, बुद्ध कहाँ से रखता उसका, ये देखो पूछते किसी से पूछे, ये बड़ा ही गलत, वाओ नाव है बच्चा, वो बिठाएगा हमें इस नाव पे, पूछे अंकल जी हमें नाव पे बैठना होगा, बैठाएगा कितना, दो आदमी, हाँ एक राउंड घूमना होगा, एक ही राउंड, कम कीजिए ना, बहुत खेपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा हमको, तैरना आता है आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना गहराई है, 6 फीट 7 फीट 5 फीट बस, हाँ। 5 फीट है, 5 फीट तो आपके लिए बहुत है, 5 फीट मेरे लिए बहुत है, 6 फीट मेरे लिए खतरनाक है, बट ठीक है ना वो भी तो घूम रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। मछली आ रही है इसमें, मछली जाल लगेगा तो सवेरे खानी नहीं, 100 ले लीजिए, एक राउंड ही लगाना है बस हमें, भी वो मंदिर जाना है हमें, वो मंदिर वो कहते हैं नौलखा मंदिर कहाँ है, नौलखा मंदिर तो आगे के, तो वहीं उतार, नहीं बाइक, बाइक कहाँ लगाए हम, बाइक आते में चलते हैं ना, पहले मंदिर हो आते हैं, पहले मंदिर जाते आप रहेंगे, आ रहे आगे देखते हैं, कितने बजे बंद होता है मंदिर, बंद हो गया होगा, चलो बाहर से देख के आते हैं फिर। चलो इन्होंने बताया कि 5 बजे बंद जाते, बट ज्यादा नहीं बोल रहे, 150 रुपये, तो ये लोग आदत होती है तैरने की, देखो इधर जा रहा, देखो वो बट वो अलग, वो अलग ही है, वो मतलब बहुत पब्लिक है उसके अंदर, देख रहे हो, हाँ पब्लिक साथ नहीं जाना है ना, चलो नहीं मिलेगा तो नाव पे बैठ जाएंगे ना, मंदिर में खुला तो। और ये हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, आई डोंट नो गेट किस साइड से, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, आगे से है, हाँ क्या है, थैंक यू एंट्री करवाने के लिए, ये 5 बजे क्लोज हो जाता है, बट फिर भी बड़े शरीफ से लड़के ने हमें एंट्री दी, नाम क्या बताया था, विक्रम, विक्रम, विक्रम नहीं विक्रम, विक्रम वाह वाह विक्रम, तो वो अच्छा लगा, वो मांग तो कुछ रहा था लेकिन खाने हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं था। ये देखिए ये बेसिकली जो मंदिर है वो है बुद्ध भगवान, नहीं बोल सकते आप इसे क्योंकि गुरु थे ये, तो भगवान तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं भी शायद इसको बुद्ध भगवान ही बोलते हैं, बोलते हैं लेकिन ये खुद को बोलते थे कि मुझे भगवान मत बोलो, एक एक गुरु है ये, तो शांति के प्रतीक, हाँ तो ये उनका टेम्पल है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपको होटल्स बहुत अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे अवेलेबल है जो मिल सकते हैं, अंदर जाने नहीं हो जाएगा, आप एंट्री नहीं, अंदर कोई नहीं, हम बाहर से घूम लेंगे अंदर, इसलिए क्योंकि अंदर मूर्तियाँ रखी हैं सोने की, हाँ सबसे जो नौलखा जो फेमस है, वो फेमस होने का रीजन जो है वो ये है, जिस टाइम पे बना था तो ये 9 लाख का बना था, इसमें जो है आपका मूर्तियाँ सोने की रखी थी, अब कितने साल पहले बना था,
हो सकता है कि बहुत साल पहले बना हो, जिस टाइम पे 9 लाख की कीमत 9 करोड़ के बराबर हो, मे भी शायद ज्यादा ही हो, आइडिया नहीं है, मगर इसलिए वो क्लोज रखते हैं गेट, ताकि उसमें जो भी मूर्तियां हैं वो सारे सोने की है, सोनों से बने, सेफ रहे, क्योंकि आजकल लोग सेफ नहीं रखने देते कि चीज को तोड़ के ले जाएंगे। थोड़ा सा उंगली तोड़ के ले गए किसकी, तो बुद्ध की उंगली तोड़ के यहीं पे नहीं, अगर तोड़ के ले गए सोने की उंगली तो अच्छा माला माल हो जाएगा, मतलब पैसे तो आ जाएगा, लाभ बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। और सीरियसली आज के टाइम पे आप मतलब आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो, भगवान का मंदिर हो या कोई भी जगह हो, इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए किया है। ये रहा, और ये सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम सीधे ऊपर चलते हैं, ठीक है? आओ जल्दी। नाम क्या है आपका? हाँ, कौन सा? रंजन। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं। और ये देखिए, ये चाइनीज में लिखा है। हम यहाँ से एक प्यारी सी राउंड लगा के अच्छी अच्छी सी फोटो लेके निकल रहे हैं हम, क्योंकि अंदर अपा चला हमें ऐसा नहीं है, क्लोज बंद नहीं करते। जो मूर्ति बनाई गई, जो फेमस, जिसकी वजह से लोग आते हैं यहाँ पे, वो गार्ड वगैरह, हाँ हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बंद कर दिया। हमें लगा था शायद वो बंद कर दिया गया वो पता नहीं चला होगा, लेकिन अभी किसी से पूछा हमने तो उन्होंने बोला नहीं आप अंदर जा सकते हो। तो अभी बट टाइमिंग क्लोज हो चुका है टाइमिंग, इसलिए वो हम अंदर नहीं जा पाए, मगर आप अंदर जा सकते हो, उन्होंने ये बोला हमें। क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आप इतनी दूर से आ रहे हो, तो सिर्फ इतना नॉर्मल सा जो ये था, इतना ऐसे तो नहीं इसको घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि ऐसा तो हम भी दिल्ली में हाँ राउंड राउंड लगा लेंगे, लेकिन अंदर एंट्री हो सकती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि मेन चीज जो है नौलखा मंदिर, वो सिर्फ अंदर के जो मंदिर जो बना हुआ है सोने से, लोग उसको देखने आते हैं, जो एक यूनिक सा है यहाँ वैशाली में, अपने जगह पे ये अलग सा फेमस है। जब वही नहीं देख पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ आने का। तो आप टाइम पे आए, टाइम पे देखें, देख सकते हैं आप। फैजल प्लीज नाव पे मुझे घुमा दो ना। हाँ चलते हैं ना, नाव वाले से पूछते हैं ना, बात करते हैं, क्योंकि नाव पे जा सकते हैं हम, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, डर नहीं लेट भी हो गया ना 5:30 से ऊपर। कोई नहीं, अच्छा देखते, चलो पूछते हैं, क्योंकि हमें जाना भी बहुत दूर है ना, लंगवा इसीलिए 22-23 किलोमीटर। हाँ इसीलिए हम रिक्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कम गाँव है, जहाँ से निकलेंगे पूरा गाँव छोटा रास्ता है, हमने रास्ता देखा भी नहीं, पूछे भी किससे कि हाँ भाई भाई साहब हमें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। तो यहाँ आना था, आ चुके थे हम, देखना था कैसा था, बट अंदर मंदिर में नहीं गए, तो मंदिर में बुद्ध भगवान जी होंगे, बस सोने के बने होंगे। तो ये खुद चला के, आप खुद चला के ले जाओगे? अच्छा ठीक है, चलिए एक जन का 30 ले लीजिएगा। चलो कोई नहीं यार, चेंज होगा 500 का। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू विक्रम, वीडियो देखिएगा हमारी। और एक प्यारी सी राइट लेंगे नाव पे, बैठ जाए। आराम से बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। पानी कितना नीचे है? शीज गुड़िया। और पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया इन्होंने। 5 जने पे 10 रुपए की छूट। बच्चाओ बढ़ाओ सबके लिए। अच्छा बच्चों का फ्री, वो बोलेंगे गोद में बैठा के ले जाएंगे। बच्चों का 45, बड़ों का 50। आ जाओ। मोमेंट मिस कर दिया हमने, वो 3 बच्चे। भैया दोबारा कूदो। छोटे से डर नहीं रहे आप, बच्चों के बड़े को डर रहे हो। ओ तेरी क्या बात, वो कूदा नहीं, वो गिर गया। जा देखो, बोर्ड गिराएगा वो।
देखो ये बोलेगा, ओ तेरी आग लगा दी, आग पानी में आग। भैया नाम क्या आपका? राजकुमार। राजू कुमार, आपकी तो मसल वसल सब बन गई होगी इसको खींच के चला के, है खूब एकदम सिक्स पैक होंगे आपके तो। और ये बहुत प्यारी सी एक राइड हो रही है जो छोटा सा, मेरे ख्याल से कितना फुट होगा, मुझे ना फुट पता है ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफर 5 मिनट में या 10 मिनट में तय कर सकते हैं अगर नाव वाला हमारे भैया की तरह हो तो। है भैया बस ही ढूंढ रहे हो क्या, पकड़ के ले जाओगे? ढूंढ फोटो खींचना है ना, अच्छा है कि यहाँ पे ना। हाँ 6 महीने से काम कर रहे हैं। 6 महीने से बस? नहीं तो मेरा 2 साल से है इसमें नाव, लेकिन मैं 6 महीने। तो आप यही करते हो कोई बाहर भी करते हो? बाहर करते हैं। यहाँ पे देखो वो होटल्स देखो आप, मतलब कोई अगर रहने के लिए आएगा ना तो उसको बड़ा अच्छे से मतलब आराम से होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब हमें लगा था कि शायद बिहार साइड में होटल, मुजफ्फरपुर में क्या। यहाँ से निकल चुके हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पिया जो 15 रुपए का था, एक पानी की बोतल लिया जो 20 रुपए का था, और कुछ दो तीन सामान लिए जो मुश्किल से हमारे। अब पार्किंग के पैसे भी लेते हैं यहाँ पे, आप बाइक पार्क करो या गाड़ी के 10, बाइक के 20 और गाड़ी के 50। अच्छा साइकिल के 10, बाइक के 20, गाड़ी के 50, तो ये पार्किंग का रेट है यहाँ पे। तो अगर जो भी आप लो पता चल जाएगा वो क्या आपको देना है यहाँ पे। दूसरा ज्यादा महंगी चीजें नहीं थी, बहुत नॉर्मल सी चीजें थी, बट गांव वाले जिस तरह मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, हर चीज मिलेगा आपको, तो क्योंकि वहाँ नहीं मिलता इनको इसलिए थोड़ा अलग सा लगा। ये फिर से आ चुका है, ये बहुत प्यारा सा है, लेकिन हम अंदर जाना जान सकते हैं। तो बस अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि इतना सफर सिर्फ मंदिर मंदिर का था, बाकी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो ये वैशाली मंदिर जो हम आए घूमने के लिए, वो बेसिकली मंदिर पे बनाया हमने, जो यहाँ का जो लोग सुनने में आ रहा था लोगों के मुंह से कि नौलखा मंदिर, तो वो थोड़ा छोटा हमें मन में आ गया, कहीं ना कहीं विजिट करते, किसी बार बार आप नाम लोगे तो लगता है कि चलो देख के आते हैं क्या है ऐसा। तो हम वो देखने आए थे, प्यारा है, अच्छा है, नॉर्मल मंदिर की तरह है, बट गाँव के लिए एक यूनिक इसलिए है कि बहुत अलग सा बना हुआ है, अलग से बना हुआ है, और 9 लाख का मंदिर के अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं, बुद्ध भगवान, बुद्ध गुरु, जो भी आप बोलना चाहते हैं। पुराना, बहुत पुराना है ये और मंदिर, क्योंकि मंदिर पुराना है लेकिन बनाया। हाँ गांव देखिए आप कितना पुराना है, अभी तक शायद ढंग से लोगों के पास लाइट वाइट तो ख्याल से है यहाँ पे, लाइट तो नहीं, लाइट है बट बहुत कम आपको यहाँ पर मकान मिलेंगे पक्के, बाकी नॉर्मल आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे पहले गांव में होते थे। तो इससे समझ में आता है कि इसके लिए कितना फेमस होगा ये, इसलिए लोग इसे फेमस मंदिर बोलते हैं, और इसलिए लोग यहाँ पे एक अलग तरीके से आपको व्यू दिखाएंगे आपको कि बहुत खूबसूरत सा है, खूबसूरत है, बिल्कुल है खूबसूरत, कोई डाउट नहीं है। और जो दिल्ली में बाहर में रहते हैं वो हर टाइप के मंदिर या मस्जिद देखते रहते होंगे, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन गाँव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो एक प्यारा सा सफ़र था जो हमने क्या कि जाफरपुर से लेके देवरिया, उसके बाद ये सफ़र तय किया जो हमने मुश्किल से आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम घर वापस जा रहे हैं, और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, इस वीडियो को आज ही अपलोड करेंगे हम, तो देखना ज़रूर प्लीज़। जो भी बिहार आते हैं या वैशाली आते हैं, तो अगर किसी का मन है प्यारी जगह पे घूमने का, मंदिर देखने का, विजिट करने का, तो आप यहाँ से आ सकते हैं, और नाव की सवारी भी कर सकते, ज़्यादा महंगा नहीं था, 1% 50 रुपये आपका, 10 मिनट का सफ़र था, बहुत बड़ा भी नदी नहीं है वो, बट फोटो वोटो क्लिक करने के लिए और यहाँ पर एक अच्छा सा व्यू लेने के लिए, एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए अच्छा है। तो एक अच्छा सफ़र रहा हमारा 2 घंटे का जो निकल चुका है, अब हम निकलते हैं घर के लिए, फिर हम कल की वीडियो आपको दिखाएंगे और रात की वीडियो एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, नॉट गुड नाइट, यहाँ के लिए गुड नाइट, इस वीडियो को ही हम एंड करते हैं, बाकी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे।